हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये A50 मोबाइल फ़ोन है, ये जो है सर्विस सेंटर से रिटर्न आया है फ़ोन हमारे पास बनने के लिए। वहाँ पे बन नहीं पा रहा था तो उन्होंने कहा मदरबोर्ड नया डालना पड़ेगा, तो आज हम विदाउट मदरबोर्ड डाले ही से रिपेयर करने वाले हैं। अगर आपको भी कोई फ़ोन रिपेयर के लिए भेजना है तो आप ये नीचे जो दिया हुआ नंबर है इस पर कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिए, आपको बताया जाएगा पार्सल कैसे क्या लगाना है। तो चलिए, हम फटाफट फ़ोन खोल लिए, अभी हमने मदरबोर्ड बाहर निकाल लिया है। अब आ जाते हैं हमारे माइक्रोस्कोप स्क्रीन पे, हमने शीट बिल्ड सब काट लिया है। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले हमें सीपीयू कटिंग करना है इस तरीके से, तो थोड़ा हिट भी मारना है हल्का हल्का और सीपीयू कट करना है। ये जो ग्लू रहता है वो ग्लू कट होना चाहिए प्रॉपर, तो देख लीजिए इस तरीके से कटिंग करनी है। बस होने ही वाला है हमारा कट। अब हम सीपीयू को हिट मारेंगे, रोम आईसी को हिट मारेंगे और बाहर निकालेंगे। तो देख लीजिए, अभी रोम आईसी को हिट मारना चालू कर दिया हमने ऊपर से, तो अभी देख लीजिए शोल्डर भी पिघलने लगा है हमारे बॉडी का। तो अब धीरे धीरे हम ब्लेड डालने वाले हैं इसके अंदर। देख लीजिए, ये ब्लेड जा चुकी है, अभी ये रोम आईसी हमारी बाहर हो गई है। तो अब हम थोड़ा पेस्ट लगा के सीपीयू भी बाहर निकाल लेंगे। ये पहले कैपेसिटर निकाल लेते हैं, हम यहाँ से जगह बना लेते हैं ब्लेड डालने की। तो देख लीजिए, बॉल इसमें से भी बाहर आना चालू हो गए हैं। तो देख लीजिए, सीपीयू भी हमारा निकल चुका है। तो अभी हम सबसे पहले मदरबोर्ड क्लीन कर लेंगे, तो डिसोल्डिंग वायर की मदद से क्लीन कर लेते हैं मदरबोर्ड फटाफट। तो एकदम प्रॉपर आपको कहिए जो है एकदम गाइस प्रॉपर लगाना है। आपको इतने से भी कंपोनेंट में टच किए तो कंपोनेंट आपके निकल जाएंगे, क्योंकि जो आयरन रहता है बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो हमारा जो आयरन है वो कंपोनेंट आजू बाजू सीपीयू के जो लगे उससे टच नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए, इस तरीके से हमने इसे क्लीन कर दिया है अभी टूल की मदद से। तो अभी से एक बार थिनर से साफ कर लेंगे, पहले एक बार डिसोल्डिंग वायर से और कर देते हैं, उसके बाद थिनर से साफ करेंगे हम। तो अभी आई थिंक तो हो चुका है बराबर, क्लीन करते हैं इसे। प्रॉपर तो हो चुका है क्लीन, एक दो बॉल और बचे है क्या होने के, एक मिनट देख लेता हूँ मैं बराबर। हाँ, सब सही है, बढ़िया हो गया है साफ। तो इसके बाद हम प्रोसेसर साफ करेंगे गाइस। तो सबसे पहले फ्लक्स लगा लेना, हमने पकड़ लिया है टूल की मदद से इसे। तो देख लीजिए, कहिए थे कुछ इस तरीके से हमने बॉल साफ कर लेने ऊपर के। और इधर के भी क्लीन कर लेने, एक ग्लू भी साफ कर लेंगे थोड़ी हिट मार के। बस थोड़ा सा बचा है, साफ होने ही वाला है हमारा ग्लू। अब डिसोल्डिंग वायर की मदद से एक बार और कहिया घुमा देंगे तो पूरा ग्लू साफ हो जाएगा हमारा। बितार की ब्रश से इसको साफ कर देंगे, जो अपने शोल्डर जो अपने जो पहले निकाले ऊपर के वो बराबर बॉल निकले नहीं होंगे तो वो भी निकल जाएंगे। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से करना है आपको। अब इसके बाद हमें पिपड़ी भर देना है इसमें और हिट मार देना है। तो देख लीजिए, ये हमारे बॉल जो है बन चुके हैं। तो अभी हम सेकेंड तरफ के बॉल बना लेते हैं। फर्स्ट वाले बॉल बन चुके हैं, डबल टैगर में दो तरफ बॉल बनते हैं, फर्स्ट सीपीयू में ऊपर साइड बनते हैं और एक नीचे साइड बनते हैं। तो ऊपर हमारे बन चुके हैं, अब हम नीचे के बॉल बनाएंगे। तो देख लीजिए, एक बार और हम कटिंग कर देंगे इसकी, फिर एक बार और बॉल बना लेंगे। तो क्या होगा, बॉल एक जैसे एक लेवल में बनेंगे, तो उससे होगा ये हमारा फ़ोन एक ही बार में ऑन होगा, यानी दो तीन बार हमको सीपीयू निकाल के लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, एक ही बार में हमारा काम ओके होगा। तो देख लीजिए, ये बन चुका है हमारे इधर के बॉल, थोड़ा हम पेस्ट लगा के हिट मार देंगे तो जो बॉल जगह पर नहीं है वो बॉल जगह पर आ जाएंगे। उसके बाद थोड़ा पेस्ट में मदरबोर्ड में भी थोड़ा पेस्ट लगा देंगे और हल्का सा, फिर नॉइस जो है हमारे को आईसी का एकदम सही जगह रखना है। उससे होगा कि आईसी हम जैसा नॉइस सही जगह रखेंगे तो आईसी उस हिसाब से सही लगेंगी। हमारा नॉइस इसमें नीचे तरफ है, लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे सॉरी, नीचे की तरफ है इसका नॉइस है, तो उधर ही साइड हमें नॉइस रख लेना है। तो और धीरे धीरे हिट मारना है। तो बस ये हमारी आईसी भी बैठने ही वाली है, देख लीजिए हिट मारना चालू कर दिया है अभी हमने। थोड़ा फ्लक्स भी बाहर आएगा, देख लेना, ये देखो फ्लक्स बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा सीपीयू बैठ चुका है। ठीक है, थोड़ा और हिट मार देते हैं हम हल्की सी। देख लीजिए गाइस, सीपीयू हमारा एकदम परफेक्ट बैठ चुका है। अब आ जाती है बारी रोम लगाने की। तो रोम को अभी हमने साफ नहीं किया था, जब भी हमने सिर्फ सीपीयू ही साफ किया था, तो अभी रोम को भी हम फटाफट साफ कर लेते हैं।
उसके बाद हम इसे रिबॉल करेंगे, ठीक है। तो ये हो चुकी है हमारी साफ। अभी इसको तार की मदद से, ब्रश की मदद से हम इसे का जो कार्बन है, जो कार्बन जो रहता है आईसीयू में लगा हुआ, जिसकी वजह से हमारा फ़ोन चालू नहीं होता है, वो कार्बन हमने अभी निकाल दिया है। तो अभी इसके बाद हम इसे रिबॉल करेंगे। वो जो गाइस जो पॉइंट जो दिख रहे थे आपको, वही पॉइंट रहते जो ड्राई हो जाते हैं, तो वो कार्बन हमने निकाल चुका है। अब आईसी रिबॉल कर देते हैं रोम, इसको भी एक बार कटिंग कर लेते हैं हम, और एक बार और पीपीडी लगा देंगे। तो उससे होगा गाइस ये कि जो हमारे बॉल है एकदम परफेक्ट बनेंगे। देख लीजिए, अभी एक बार और हमने कटिंग करके एक बार और हम इसको बॉल रिबॉल कर दिए। अभी पेस्ट लगा के हल्की हिट मारेंगे और इससे ये होगा जो बॉल जगह पे नहीं होंगे गाइस, वो बॉल जगह पे आ जाएंगे। तो चलिए, जिधर सीपीयू का नॉइज़ है उधर ही रोम का भी नॉइज़ लगा देते हैं। अभी हम थोड़ा वेट करना है हमें। चलिए रोम अब लगाने वाले हैं हम। नॉइज़ जिधर है गाइस उधर ही आपको नॉइज़ लगाना है, ये बात याद रखना। नॉइज़ जो एकदम हमारा परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये बस हमारा सीपीयू जो है लगने ही वाला है। एक मिनट, मेरा माइक्रोस्कोप में क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो चलिए अब हिट मारते हैं धीरे धीरे। ये रोम हिल जा रही है, एयर थोड़ी कम करता हूँ मैं। बस होने वाला है, तो चलिए अब हिट मारते हैं धीरे धीरे। बस ये फिट होने वाली है, देख लीजिए जगह उसने बनाई है। अभी धीरे से देखो पेस्ट भी बाहर आएगा अभी। हाँ, तो बस ये रूम बैठने ही वाली है गाइस, और रूम बैठ चुकी है हमारी। तो और थोड़ी हिट मार देते हल्की सी के जो एक दो बॉल बैठे ना हो वो बैठ जाए बराबर। तो अब आ जाती है फाइनल गाइस रिजल्ट की बारी। तो अब बोर्ड तो हमारा ठंडा हो चुका है, कैमरे भी फिट कर ही लेते लगे हैं, फिर बाद में नॉर्मली फिट कर रहे हैं वैसे हम, ऐसा पूरा फिट नहीं करेंगे अभी, सिर्फ आपको चेक करने हैं पूरा चालू कर हो रहा है कि नहीं फ़ोन, रिजल्ट आने ही वाला है गाइस। देख लीजिए हमारा फ़ोन A51 ऑन हो चुका है, थोड़ा वेट कर लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आपके दोस्तों के पास कोई ये फ़ोन होगा रिपेयर करने तो ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, और आपको कोई पार्सल भेजना है तो नीचे नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए और पूछिए कि पार्सल कैसे क्या लगाना है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ फ़ोन रिपेयर किए जाते हैं। आपको ऐसा कुछ लगता है, मन में डाउट है, तो आप बराबर बताइए मुझे, मैं आगे भी इसी तरीके की वीडियो बनाते रहूँगा। आपको आपके पास कोई और दूसरा मॉडल है तो वैसा बताइए मुझे, तो मैं उस दूसरे मॉडल के भी वीडियो बनाऊँगा। तो देख लीजिए, बस हमारा फ़ोन अभी ऑन होने में फर्स्ट टाइम जो है समय लगाता है, ये बस ऑन होने ही वाला है। तो देख लीजिए गाइस हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। Yeah.